नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस ट्यूटोरियल की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे पेड और फ्री ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उन ट्यूटोरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का जो एड्रेस है ज्ञानअमृतटीडीएल.com, गूगल पर जाकर आपको ज्ञानअमृतटीडीएल.com ओपन करना है। यहाँ पर कैटेगरी में जाने के बाद आपको फ्री ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे और पेड ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। फ्री ट्यूटोरियल की कैटेगरी में आप जाएंगे तो सारे ट्यूटोरियल आप एक एक करके अपने नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। पेड ट्यूटोरियल में जाने के बाद आप कुछ नॉमिनल चार्जेस देके आप पेड ट्यूटोरियल को अपने नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा, आपको ट्यूटोरियल का डाउनलोड लिंक इंस्टेंट मिल जाएगा और वो ट्यूटोरियल आपके टैली में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट का जो प्रोसेस है वो इस वाले टैब में, यहाँ पर एक्टिवेशन TDL एक्टिवेशन के अंतर्गत पूरा बताया गया कैसे वो TDL एक्टिवेट होगा। तो ये तो गया दोस्तों वेबसाइट के बाद, अब चलते हैं वीडियो पर। जो हमारा वीडियो है उसमें जो TDL है वो है QR कोड से संबंधित। टैली में जब हम डिफॉल्ट आते हैं तो जो बिल का प्रिंटिंग होता है, अभी मैं आपको ये दिखला दूँ, टैली जो है प्राइम में वो QR कोड का भी ऑप्शन देता है, मतलब जो पेमेंट है आप QR कोड के थ्रू कस्टमर से ले सकते हैं। तो वो जो पेमेंट का ऑप्शन है उसमें एक प्रोसेस है टैली का कि आप पहले आप बिल बनाइए, फिर QR कोड के अमाउंट के साथ आप वो जनरेट कर सकते हैं। बहुत लोग को वो प्रोसेस पसंद आता है, बहुत लोग को वो प्रोसेस पसंद नहीं आता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस TDL की सहायता से उस प्रोसेस को और इजी करने वाले हैं और साथ में मल्टी पेमेंट भी हम लेंगे। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हमें F1 हेल्प में चलना होगा और TDL एडॉन में चलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम TDL को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर UPI ID लिया और अपने UPI ID का मैंने यहाँ पर डिटेल दिया है, साथ में फर्म का नाम डाला है अपना और इंक्लूड अमाउंट। इस ऑप्शन को अगर आप यस करते हैं तो जो QR कोड जनरेट होगा एक बिल के अमाउंट के साथ वो जनरेट होगा, जिसको एक कस्टमर पेमेंट कर सकता है। अगर आपने नो रखा तो कस्टमर उस अमाउंट को मॉडिफाई अपने ऐप पे कर सकता है। अगर आपने यस रखा तो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, सारा पेमेंट उसे करना ही होगा। तो इसे हम नो रखते हैं और यहाँ पर हाइट एंड विड्थ है QR कोड की जो कि इंच में है, तो मैंने डेढ़ इंच दिया और गूगल पे नंबर अपना यहाँ पर डाला है। तो इसे सेव करते हैं और अब बिल पर चलेंगे। बिल पर चलने के बाद ये तो होगी दोस्तों पहली सेटिंग, एड ऑन फीचर में हमने ये पहली सेटिंग की। अभी हमारा जो दूसरा सेटिंग है वाउचर टाइप पे चलेंगे और यहाँ से इनेबल मल्टी पेमेंट आईडी को हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। और अब अगर हम इस पर प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो प्रिंट है कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा, पर ये दोस्तों मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। मतलब ये जो QR कोड है कुछ बड़ा है, साथ में गूगल पे नंबर भी आ रहा है। तो अभी मेन पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर फिर से आएंगे और जो QR कोड साइज है, अब इसे देखिए ये इंच में, आप इसे 10 और 20 मत दीजिएगा तो आपका टैली हैंग होकर बंद हो जाएगा। ये इंच में है तो 1.5 इंच बहुत होता है। तो अभी मैं इसे 1:1 के रेशियो में रखता हूँ और मेरा सजेशन रहेगा कि हाइट जितना रखिए उतना ही विड्थ रखिए, क्योंकि QR कोड जो है स्क्वायर में आता है, तो आपका दोनों अगर आप सेम रखिएगा तो स्क्वायर में जाएगा ये। अभी गूगल पे तो हो गया, अभी मैं फोन पे देता हूँ। चलिए नंबर गलत है पर कोई नहीं, वहाँ पर डिस्प्ले तो हो ही जाएगा। इसमें अभी ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ ना, उसमें खासियत है कि जो नंबर डिस्प्ले होगा वही नंबर यहाँ पर आएगा, बाकी ऑटोमेटिक हाइड रहेगा। ये गूगल पे आया, फोन पे आया, अभी जो चौथा मोड है, तीसरा चौथा मोड मैं आपको वो भी दिखला दूँ। और यहाँ पर चलने के बाद पेटीएम भी है, आप पेटीएम भी डाल सकते हैं। जो आप नहीं डालिएगा वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। रेजर पे का जो भी आईडी रहेगा, रेजर पे आईडी है ना, इंस्टा मोजो आईडी, जो भी आपका आईडी है यहाँ पर आप टाइपिंग कीजिए, जो नहीं है छोड़ दीजिए। जो आप ब्लैंक रखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट में आएगा ही नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक QR कोड है, बाकी पेमेंट डिटेल है। तो यही है, अगर ये TDL पाने के लिए जो है आपका इसको डाउनलोड लिंक, और ये TDL आपका पेड TDL है तो इसका जो पेड का डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे वेबसाइट पे जाके TDL को बाय कर सकते हैं। या अगर आपको वेबसाइट के थ्रू बाय करने में परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां मैं आपको अपना QR कोड दूंगा, आप पेमेंट करके भी इस TDL को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए TDL के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।